वाले से हम निकल गए हैं और हम जा रहे हैं सैंड ड्यून्स, और यहाँ से 113 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस लोंगेवाला से, और नया रूट है। जो 16 में आए थे वो दूसरा रूट था, अभी एक और नया रूट बनाया है। 1 hour 32 minutes दिखा रहा है गूगल भाई, तो 1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे सैंड ड्यून्स 3:30 तक। कासम खान, और उसने मुझे बताया 2500 विदाउट एनी एक्टिविटीज़, विद डिनर एंड लंच ब्रेकफास्ट। तो गाइस 3:42 हो गया है और हम पहुंच गए हैं सैम ड्यून्स में। ये पीछे देखिए पूरी मार्केट है यहाँ पे, और कई सारे बाइकर आ चुके हैं, हमें रोक रहे हैं भाई कहीं जाना है कहाँ जाना है। तो ऑलरेडी हमारी बुकिंग है, तो आप बोलोगे जी बुकिंग है तो वो चले जाते हैं, नहीं तो पीछे पड़ जाएंगे आपके। हम दिलाते हैं आपको डेजर्ट सफारी वगैरह वगैरह। तो यहाँ से अभी भी 6.7 किलोमीटर दिखा रहा, 11 मिनट का रास्ता है अभी भी कैंप का, तो आगे सीधा मिलते हैं आपको कैंप में। तो हम पहुँच गए हैं कासम भाई के जो कैंप में। सीट बेल्ट पहन लेंगे भाई। ये एंट्री है, ये कासम भाई का पूरा सेटअप है, टेंटिंग, बट कॉस्टली है यार। तो मैंने कहा एक नाइट रुकना है तो क्या फर्क पड़ता है। तो 2500 चार्ज किया है, ये भाई ने भी परेशान कर दिया। ये हम अपनी जीप लेके जाएंगे सफारी करने, और यहाँ का एक लोकल लेके जाएंगे। भाई 500 रुपये मांग रहा, कह रहा मैं तीनों डेजर्ट करा के ले आऊँगा। चलो 500 में सही, इतनी दूर आए हैं तो 500 रुपये क्या देखने। तो ये पीछे वाला टेंट मिला है हमें, ये पीछे आप देख पा रहे हैं कि हम मिरर में। तो अभी अनलोड करते हैं और रेस्ट करते हैं, फिर चलेंगे अपना सफारी में। मैं टेंट दिखा देता हूँ आपको अंदर से। तो ये टेंट है, फैन लगा हुआ है, और ये पत्थर का बेड बना रखा है भाई ने, और कनेक्शन दे रखा है। यहाँ पे 2 कुर्सी मेज, और टॉयलेट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। खुला है टॉयलेट तो बढ़िया है, इंग्लिश टॉयलेट है, वॉश बेसिन लगा हुआ है। तो आज हम कर रहे हैं नाइट कैंपिंग, इसके बाद अभी जाएंगे डेजर्ट में अपना सफारी करेंगे अपनी जिमनी की, और फिर वापसी आएंगे। फिर यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होगा 2 घंटे का, फिर रात में डिनर होगा, सुबह ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद हमारी वापसी होगी। अभी सनसेट भी देखेंगे डेजर्ट में। अच्छा, मेरे को बोला आ जाओ, उनको बोलो उधर डेजर्ट पे वीडियो बना देंगे साथ। तो भाई लोग हम जा रहे हैं अभी डेजर्ट सफारी करने अपनी जिमनी में, और भाईजान हमें लेके जा रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई? साहिब भाई ले जा रहे हैं, जो कासम भाई के छोटे भाई हैं। हाँ जी, आप छोटे भाई हैं। हाँ जी, तो कासम भाई के ये छोटे भाई हैं, तो इनके साथ जा रहे हैं। ये पूरा गाइडेंस देंगे, ये इनको एक्सपीरियंस है यहाँ का पूरा, और तीनों डेजर्ट ले जाएंगे। शाम को हम जो सनसेट होता है वो भी देखेंगे, तो बने रहना मेरे साथ आखिर तक, और बहुत बढ़िया हम दिखाएंगे आपको आज एकदम सही सैंड ड्यून्स। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले रॉयल डेजर्ट में। 3 डेजर्ट हैं यहाँ पे, रॉयल डेजर्ट, मुगल डेजर्ट और थार डेजर्ट, 3 डेजर्ट होते हैं जो ये सफारी कराते हैं कासम भाई, और हर कोई एक ही डेजर्ट में करा के चला जाता है, लेकिन ये 3 डेजर्ट में कराते हैं सफारी। सबसे पहले हम जा रहे हैं रॉयल डेजर्ट में। तो अपनी सफारी चल रही है, अपनी जिमनी चल रही है। तो गाइस फर्स्ट टाइम मैंने 4H लगाया है अपनी गाड़ी में, 4x4, और हम अब लेके जा रहे हैं। ये देखिए, जाने दो, एक्सीलेटर दबाओ, एक्सीलेटर दबाओ, हां बस आप एक्सीलेटर दबाओ, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे घुमा के 2 लगा लो, सीधा इधर जाने दो, इधर हां 2 लगा लो, धीरे चलोगे ना तो यपिंग ज्यादा होगा, उस रास्ते के अंदर ले लो, दबा के रखो, एक में दबा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, अब कहीं नहीं रुकेगी। एक्सीलेटर दबाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 लगा लो, खींच के 2 लगा लो, ये इसके रास्ते के अंदर ही रखनी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस अब कहीं नहीं रुकने वाली है, आने तो सीधा घुमा के जाने दो,
गिरेगी नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं, एक्सीलरेटर रखो, एक्सीलरेटर रखो। वो जो स्टेज पे बना देंगे, अभी ये बंद हो गया, चालू है, चल रहा है। तो गाइस अभी मैं हूँ थार डेजर्ट में, जो जैसलमेर के 30 या 35 किलोमीटर बाद है, सैम ड्यून्स। और यहाँ पे हमारी खड़ी है जिमनी। तीनों डेजर्ट हैं जो रॉयल डेजर्ट, मुगल डेजर्ट और थार डेजर्ट, तीनों में मैंने अपनी जिमनी को चला लिया है 4x4 में फर्स्ट टाइम। और ऑसम फीलिंग आ रही है यार, एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त था और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, कहीं नहीं फंसी। फर्स्ट टाइम मैंने चला रहा था और अभी वीडियोग्राफी नहीं कर पाया क्योंकि एक्साइटमेंट में कुछ भी सूझ नहीं रहा था, इसलिए मैं फिर मेरा फोकस सिर्फ ड्राइव पे था। तो अभी थोड़ी वीडियो बनाएंगे, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। सीधा 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 कर लो, इतना कोई काटने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे जाने दो, ये यहाँ जाएंगे, लेफ्ट से ले लो, ऊपर जहाँ ऊपर ले लो। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. इस रास्ते से सीधा सीधा जाने दो, ऊपर हाँ जाने दो, एक नंबर लिखना, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो दबा के बस जमने को जाने दो। World seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. आपने गलत ले ली, गाड़ी गिर जाएगी। फुल उस तरफ काटो, आप इसकी तरफ फुल काटो, स्टार्ट करके आ। मैंने बोला था इसके ऊपर चलाना, अब स्टार्ट करके नीचे उठाओ, चली जाएगी। रोक रहे हो, जाने दो, एक्सीलरेट कम। Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant
to be in the great outdoors, forever free. हो गया है सनसेट, बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया है सन का और लगभग सन डूब चुका है। और ये हमारी जिमनी खड़ी है और ये है थार रेगिस्तान। और बहुत ही मस्त यार गाड़ी चलाई है अभी हमने और वीडियो कैप्चर भी किया है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। हमारा आज का आना थार डेजर्ट में वसूल हो गया पूरा। और ये हो चुका है सनसेट कंप्लीट, इसकी मैं फ़ोटो दिखाऊंगा जो हमने कैप्चर करी है अपनी जिमनी के साथ। तो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम है, अभी जाएंगे सीधा अपना कैंप में और वहाँ पे एक्टिविटीज़ होगी 2 घंटे की और फिर खाना है, फिर डीजे है, ये सारा एक्टिविटीज़ है। सुबह ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने घर को। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने कैंप में और ये है और कासम भाई का ये अपना कैंपिंग साइट्स है। हमने फर्स्ट टाइम जिमनी को थार डेजर्ट में, रॉयल डेजर्ट में एंड मुगल डेजर्ट में, तीनों डेजर्ट में हमने चलाया, सफारी करी और अपनी ओन जिमनी से। तो इतनी दूर मैं लेके आया था सिर्फ इसीलिए कि मैं इसमें अपनी सफारी कर सकूं, डेजर्ट सफारी, और वो आज मेरा ड्रीम पूरा हो गया है। और उसके लिए मैंने 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चने पड़े क्योंकि कासम भाई के एक ब्रदर को मैंने साथ में बिठाया, उससे पूछता रहा क्योंकि इनको ज़्यादा नॉलेज है कहाँ से लेके जाना है कहाँ से नहीं लेके जाना है, इनको पूरा रास्ता पता है। तो उनकी गाइडलाइंस के ऊपर मैंने अपनी ड्राइव करी है। मज़ा आ गया यार, क्या बोलूँ। अभी नेक्स्ट जो है अभी कल्चरल प्रोग्राम है 2 घंटे का, उसके बाद डिनर है, उसके बाद सो जाना है और कल बैक टू दिल्ली। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा एक कमेंट जरूर करना है, और कोई भी क्वारी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल और मैसेज कर सकते हैं मेरे को। अंत में दोस्तों, राइड हार्ड राइड से, बंदे मातरम, जय हिंद।